तो दोस्तों आइए एक बार ऑर्डर लिस्ट की भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे आप DISC अनऑर्डर लिस्ट बनाते समय यहाँ पे DISC की जगह DISK भी कर सकते हैं। अगर DISK करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं, सॉरी ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। डबल क्लिक किया हमने तो देखिए सेम चीज़ है, ठीक है, आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही आ रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक सीखा था। अब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट तो क्रिएट कर लिया, ऑर्डर लिस्ट की बात करनी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑर्डर्ड, अन हटा देता हूँ यहाँ से, ऑर्डर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, यहाँ पे LI जनवरी फरवरी और यहाँ पे जो लिखा है UL टाइप डिस्क, इसकी जगह मैं लिखता हूँ UL टाइप और यहाँ कर देता हूँ OL टाइप, ठीक है। UL टाइप तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, OL टाइप ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो यहाँ पे OL टाइप करिए और यहाँ कर दीजिए 1, ठीक है, बस हो चुका है काम। और यहाँ पे UL की जगह OL कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ सर्कल की जगह A कर दीजिए, A, ठीक है, मैं स्मॉल A कर देता हूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको हम इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाते हैं, देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में आ रहा है। कोड देख सकते हैं आप, कोड मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं आपको एक बार और कोड दिखाता हूँ। HTML हेड टाइटल, फिर हेड बॉडी और यहाँ OL टाइप लिखना है आपको, जो भी यहाँ देना चाहते हैं। अगर आप रोमन अंकों में देना चाहते, देखिए ये तो मैंने मैथमेटिकल आइटम है उसमें दिया हुआ है, यहाँ पर रोमन अंकों में देना चाहते हैं आप तो यहाँ रोमन अंकों में दे दीजिए और फिर देखिए आप तो रोमन अंकों में ही ये लिख करके आएगा। तो यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये रोमन अंकों में आ रहा है, ठीक है। अगर आप कैपिटल ABC के फॉर्म में देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कैपिटल A कर देंगे स्मॉल A को, तो ये देखिए ये हो गया कैपिटल A, तो ये कैपिटल ABCD के फॉर्म में आएगा। तो यही तो है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, बहुत ही ईजी है। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पे वीडियो मैंने बनाया, हालांकि बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए यहाँ पे ABCD ये ऐसे आ रहा है।